क्षेत्रवासियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। विभूतिपुर विधानसभा में हमने वादा किया था कि अमन चैन स्थापित करें और मैंने विभूतिपुर में अमन चैन स्थापित किया। उसके साथ शिक्षा के क्षेत्र में जब हम एमएलए बने थे तो मात्र 9 पंचायत में हाई स्कूल हुआ करता था, आज 3500 पंचायत में हाई स्कूल है, 22 पंचायत में 10+2 की पढ़ाई हो रही है, ITI की पढ़ाई हो रही है, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई हो रही है, BEd की पढ़ाई हो रही है, टीचर्स ट्रेनिंग की पढ़ाई हो रही है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी विभूतिपुर में मैंने ITI, BEd कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और टीचर्स ट्रेनिंग बने हैं। इससे छात्र छात्राओं को काफ़ी सुलभतापूर्वक अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सारे बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में किताब, पोशाक, छात्रवृत्ति, साइकिल और प्रोत्साहन की राशि दी जा रही है। इससे हमारे विभूतिपुर क्षेत्र के सभी छात्र छात्रा पढ़ाई के क्षेत्र में अव्वल निकल रहे हैं, नौकरी के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में अव्वल निकल रहे हैं और हम सिंधिया घाट दुर्गा स्थान मैदान को डेवलप किए हैं, इसको गार्डन के रूप में दिए हैं। इससे भी कई पंचायतों के बच्चे बच्चियों आकर के सुबह में पूर्वाभ्यास करते हैं, अपने मैंने कंपटीशन की तैयारी करते हैं। उसके बाद इस क्षेत्र में 7 किलोमीटर पक्की सड़क का निर्माण किया है, हर पंचायत में नल जल, पक्की सड़क, हर घर बिजली का काम हुआ है और बूढ़ी गंडक में चार पुल का, बड़े पुल का निर्माण हुआ है, बैदी में 4-5 पुल का निर्माण हुआ है और इन तमाम बातों को लेकर के पूरे क्षेत्र में लोगों में काफ़ी हर्ष है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोग आस्था जता रहे हैं और उन्होंने जो विकास का काम किया है उससे सारे लोग खुश हैं। मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना का कितना लाभ जनता तक पहुंच कर पाया है, कितना प्रतिशत? साल निश्चय में खास करके शिक्षा पर काम हुआ है, जो कौशल विकास के माध्यम से बच्चों को मुफ्त में कंप्यूटर की पढ़ाई होती है और जो हमारे बच्चे जो गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं और पैसा के अभाव में मेडिकल, पॉलिटेक्निक और या टीचर्स ट्रेनिंग और इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करा पाते थे, आज 4 लाख का बिना ब्याज का जो स्टूडेंट लोन दिया जाता है उससे काफ़ी लोग प्रभावित है और उस लोन ले करके आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। इससे हमारे ये है और उसके बाद है हर घर नल, हर घर बिजली, हर घर पानी, उसके बाद हर घर पक्की सड़क, हर घर शौचालय, सभी को इंदिरा आवास मिल रहे हैं, जो बचे हुए शौचालय से लाभान्वित लोग हैं, जो इंदिरा आवास से बचे हुए लाभान्वित लोग हैं, उन लोगों को भी क्रमबद्ध से सभी तरह का सुविधा पहुँचाया गया। जहाँ जहाँ JDU के प्रत्याशी हैं वहीं पर लोजपा के प्रत्याशी उतारने का उद्देश्य क्या हो सकता है? चिराग पासवान जी को लगता है जो व्यक्ति बिहार में विकास के नाम पर एक कदम चला नहीं और माननीय मुख्यमंत्री जी को आड़े हाथों लेकर के उनको बदनाम करना चाहते हैं और उनके मन में यह भरम है कि लोजपा के उम्मीदवार हम जदयू के उम्मीदवार के कंसेंसी में उतार देंगे तो जदयू के उम्मीदवार हार जाएंगे। वो भरम में है, पूरे बिहार में माननीय नीतीश कुमार और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारे लोग एकत्रित हो चुके हैं और पूरे बहुमत से बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है।